आज मैं जैसे मैं लेकर गया हूँ, ये हमारा भीतर गांव जगह पड़ती है और यहाँ पर मोबाइल फोन की दुकान है, मिश्रा जी की मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान है। एक तरफ एक्सेसरीज का काम होता है, एक तरफ रिपेयरिंग का काम होता है। तो ये यहाँ के ऑनर है और ये पूरे रिपेयरिंग का अपना पूरे मोबाइल दुकान करते हैं। तो कितने साल का आप काम कर रहे हैं? हम 2008 से इस लाइन में है और इंटर पर का मोस्टली जो फोकस रहता है वो मोबाइल फोन का पार्ट सेल का रहता है, एसेसरीज का रहता है और कैंपर कवर बाकी जितनी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मोबाइल फोन का अगर यहाँ पर आसपास एरिया में देखा जाए तो जो लोग 500-1000 रुपये प्रॉफिट लेकर के वो चीज़ बेचते हैं, लेकिन ये मात्र उसको 100-150 का प्रॉफिट में उस चीज़ को बेचते हैं। बहुत मिनिमम से मिनिमम मार्जिन में काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और कस्टमर को हमेशा सेटिस्फाइड करके बेचते हैं ताकि उसको जो भी चीज़ मिले वो अच्छी मिले और उससे अच्छी तरीके से काम कर सके और इनका भी नाम हो और कस्टमर भी इनका कभी ख़राब ना हो। तो इन्होंने एक अपने साथ में सहयोगी हैं, इन्होंने इनको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया कानपुर ए टी के स्कूल में और आज ये अपनी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं। बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके पास मैं एक साल पहले समथिंग नहीं एक साल पहले मैं समथिंग आया था, तब मिल कर गया था और मिलने के बाद मैंने सबको गाइड किया था कि अगर आप इस का काम करते हैं तो इसमें अगर रिपेयरिंग का काम और थोड़ा सा अपडेट करेंगे तो बहुत अच्छा काम रहेगा। तो सर ने हमारी बात को माना और इसमें से रिपेयरिंग का काम अपडेट किया कि मतलब जो सेल का काम करते करते थे सेल के साथ में रिपेयरिंग का भी काम किया, तो अब रिपेयरिंग में इनको एक अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और बड़ा अच्छा है। तो ये सर आपके लिए फीडबैक देना चाहते हैं ताकि और भी लोग जो सीखना चाहते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। और सर ने क्या प्लान बनाया, क्या सारी चीज़ें हैं? और सर ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन रिपेयरिंग चला रहे हैं, जो सामान देख रहे हैं, तो उनके लिए अगर रिपेयरिंग जुड़ जाएगा तो कितना बेनिफिशियल रहेगा, यह आप थोड़ा सा बताइए। सर पहले हर कमाई वेलकम मान लीजिए सर हम 20-25 हज़ार निकाल पाते थे सेल से, और जब से मैं रिपेयरिंग करवाना शुरू किया है तो अभी तो मान लीजिए उनको सारा समय हुआ नहीं है, उनका ट्रेनिंग का समय नहीं है, अगर टिकट से ट्रेनिंग से निकल गया फिर भी हमारा खर्चा और स्कूल की फीस आके निकल आती है। हाँ उनको देखते थे मार्केट और उसमें इतना नुकसान मिलता था, उससे हमारी फीस और डेली का खर्चा निकलता था। अब जो कि हमने देखा है जैसे काम बढ़ रहा है, इनका नॉलेज बढ़ रहा है, उसके जिसे फंसते जाते हैं तो आपके पास परमानेंट जाते हैं, जब मार्केट जाते हैं पहले आपके पास जाते हैं, बिल्कुल नॉलेज देखते हैं कि ये दिक्कत है सर, ये नहीं हो रहा है, ये हम नहीं कर पा रहे हैं, वो आप मार्गदर्शन करते हैं, उससे इनका नॉलेज बढ़ता जा रहा है और हमारी करीब समय की कमाई सब 16,000 रुपये बढ़ चुकी है। वो जो पहले ऐसे तरीके से कमाते थे 20-25 हज़ार के आसपास, अब 16,000 और इंक्लूड हो गया। अभी पूरा सेटअप लगाने जा रहे हैं तो करीब आपको ये लगता है 25-30 हज़ार रुपये तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब एडजस्टेबल हो जाएगा। और आपको जो मोबाइल 50,000 रुपये महीने का हमारा टारगेट वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर जो लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग सेल का काम करते हैं, रिपेयरिंग में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उनमें इसमें क्या बेनिफिट ये रहेगा आप थोड़ा सा बताएंगे? समझिए ये है कि कस्टमर जैसे आप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आपके कस्टमर भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो कोई सेल ही का कस्टमर है आपके पास, रिपेयरिंग की वजह से वो दूसरी जगह जाता है, फिर दूसरी जगह एडजस्ट हो जाता है। हाँ। सेल भी यहीं पर उपलब्ध है और रिपेयरिंग भी यही मतलब, जब वो रिपेयरिंग भी कराएगा तो कोई सामान भी घटेगा वो आप ही खेलेगा। बिल्कुल मतलब नया फोन आप ले रिपेयरिंग दूसरी जगह अगर सामने वाला बंद दिमाग नहीं कर रहा वो वहाँ लेने लगता है। इस प्रकार के आपका कस्टमर आपके पास रहता है, पंचो रहता है, पता होता है कि कहीं भटकना नहीं है, जो है संपूर्ण व्यवस्था है उपलब्ध है, थोड़ी चीज़ों के लिए यहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ों के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, जो अगर एक व्यवस्था सही व्यवस्था है इसी के लगने जाएंगे तो कस्टमर वहीं कराना चाहता है, वहीं जाना भी चाहता है जहाँ सभी प्रकार के काम उसको हो जाए, वो एक एक चीज़ के लिए हर एक दुकानदार के पास नहीं जाना चाहता। अच्छा रिपेयरिंग से एक और फायदा ये भी रहता है कि मान लो हमने किसी चीज़ को कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को दे दिया, अगर मान लीजिए मैं कहते हैं छोटा सा साउंड बक्सा आता है वो 200-250 रुपये का आता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती, वो हम किसी कस्टमर को देते हैं, कस्टमर ले जाता है 2 दिन सुनता है, उसके बाद चार्जिंग डेट कहीं कुछ छोड़ देता है, वो काम नहीं करता। अगर हम रिपेयरिंग करते हैं तो हम उस चीज़ को फिट कर सकते हैं और किसी दूसरे के पास जाने के लिए वही हमने बनाया संतुष्ट नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, हम लोग बना के दे देते हैं, उसमें कोई मार्जिन भी ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, लगा देते हैं हम लोग अपनी फीस से छोड़ ही देते हैं। हाँ और अगर अदरवाइज कस्टमर दूसरी जगह जाता है तो उसको 50-60 रुपये पे करने पड़ते हैं। हाँ कस्टमर भी संतुष्ट हो जाता है और हमारा नुकसान भी नहीं होता, कम खर्चे में हमको संतुष्ट कर पाते हैं। बिल्कुल सर सर का बहुत अच्छा काम है और मैं भी सर से काफ़ी संतुष्ट हूँ कि सर ने अपने बच्चों को मेरे पास भेजा और अच्छी तरीके से सीख करके काम कर रहा है। इनका धीरज नाम है, आप धीरज अपने बारे में थोड़ा सा रिव्यू दीजिए ताकि आप कितना टाइम लगा आपको सीखने में और कैसे सीखा।
सारे सर के पास अगर आप सूरज में सीखते हैं तो 45 दिन का लेकिन अगर आप किसी कारण से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखते हैं सूरज में नहीं सीख पाते तो आप 3 महीने का कम्प्लीट कोर्स होता है। उसमें सर भी आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं, हर एक चीज़ सिखाते हैं, किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप बाहर से भी हैं तो हॉस्टल की सुविधा भी सर जी के पास है, सर जी कभी नाराज नहीं होते हैं और अपने स्टूडेंट को अपने बच्चे को कभी भी हेल्प करते हैं। कोई अगर दिक्कत होती है आगे चल के जब भी सर जी को कॉल करो, अगर सर पढ़ा भी ना सर अपनी तरफ से कॉल करिए, ये नहीं होता कि आप सीख के निकल गए तो बस सर जी आपको प्लस पॉइंट दे दिए। तभी आपको कोई दिक्कत हो आप अगर मार्केट जाते हैं सर जी से कंफर्म कर लीजिए, किसी मशीन के बारे में कुछ पूछना तो वो भी सर जी अवेलेबल करा देते हैं, बुला देते हैं, उसके बारे में बता देते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इस वजह आप एक ही जगह सीख सकते हैं और अच्छा सा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, काम स्टार्ट कर सकते हैं। इस लाइन में मैं कहने के लिए बात कहना चाहता हूँ, इस लाइन में काम करने के लिए 25,000 रुपये अब 30,000 से 40,000 रुपये में अपना सारे मशीन सारे टूल सारे सॉफ्टवेयर सब चीज़ों को लेकर अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और अच्छी काफ़ी अर्निंग कर सकते हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोई भी कस्टमर होता है अपने लाइफ में मोबाइल फ़ोन एक बार खरीदता है 2 साल के अंदर, यानी एवरेज देखा जाए साल 2 साल के अंदर एक बार मोबाइल फ़ोन खरीदता है। एक मोबाइल फ़ोन अगर 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन होता है तो उसमें कितना प्रतिशत छोटा होता है 10,000 के फोन में आपको अगर 200-300 रुपये कमा लेते हैं, लेकिन अगर वही मोबाइल फोन जब खराब हो जाता है तो उसमें से कई गुना ज़्यादा इनकम होती है। अच्छा मोबाइल फोन एक ही बार बिकता है, जैसे आपने काउंटर पर गए 10,000 रुपये दे दिए मोबाइल फोन ले आए, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार मोबाइल फोन लेने जाते हो, मोबाइल फोन एक बार ले लिया, लेकिन रिपेयरिंग एक ऐसी चीज़ होती है वो समझ लीजिए हर महीने का एक एक्सपेंस है कि आप मोबाइल फोन चलाएंगे तो आपको गिरेगा, गिरेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो ठीक कराने जाएंगे। मोटरसाइकिल है जैसे उसकी सर्विस करानी पड़ती है, फोन भी मुझे उसमें समस्या है इसकी उसको बनवाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वैसे मोबाइल फोन की लाइन में कहते हैं सर्विस के लिए हमें कोई सर्विस नहीं लगता, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि ये भी अगर आप इतना ज़्यादा यूज करेंगे, अगर आप मोबाइल फोन 2 घंटे चलाते हैं तो 6 महीने में खराब होगा, पूरा दिन चलाएंगे तो 3 ही महीने में खराब हो जाएगा, कहीं बैटरी खराब हो जाएगी, ज़्यादा चार्ज करेंगे तो चार्जिंग कनेक्टर खराब हो जाएगा, ज़्यादा यूज करेंगे तो टच खराब हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं जिनको लोग रिपेयर कराते हैं और रिपेयर करने का 200-300-500 या 1,000-2,000 इससे भी कई गुना चार्जेस पे करते हैं। लेकिन आप मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग की अपनी अच्छी दुकान चलाते हैं और अगर आपके पास रिपेयरिंग का सेटअप नहीं है तो आप दोस्त अपने रिपेयरिंग के सेटअप पर फोकस करिए, रिपेयरिंग के सेटअप को अच्छे से करिए कि जहाँ पर अगर आप 15-20,000 रुपये अपनी दुकान में 30,000 में अगर दुकान के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, अगर आप रिपेयरिंग का काम कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से तो 25-30,000 का काम आपका और बढ़ जाता है और अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट के लिए ये रहता है कि जब आप मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपको पूरा पहली बार तो सपोर्ट मिलेगा, आप अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप ना सीख करके जाएं। अगर आपको 2-3 महीने से सीखने में ज़्यादा भी समय लगता है तब भी आप 100% तरीके से मैं ट्रेन करके भेजूँगा, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि अगर दुनिया जान में मैं गरीबी को तो नहीं दूर कर सकता, लेकिन मेरे हाथ में जो स्किल है मैं लोगों को स्किल दे करके उनकी बेरोजगारी को दूर कर सकता हूँ, ताकि आज जो लोग पैसे मांगने के लिए मोहताज हैं अगर उनके हाथ में हुनर है तो वो लोग पैसे देने के लिए मोहताज हो जाएंगे, वो मांगने के लिए मोहताज नहीं होंगे। क्योंकि आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को जब ठीक करके देते हो और आप ये सोच लेना कि मैं पैसा नहीं लूँगा, तो मैं एक गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आप 10 मोबाइल फ़ोन ठीक करना और 10 मोबाइल फ़ोन ठीक करने के बाद किसी से ये मत कहना कि सर मैं पैसा लूँगा, पैसा मांगना ही मत, लेकिन वो आदमी आपके पीछे घूमेंगे, एक काम करो भैया पैसा ले लो, 400 ले लो, 200 ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, ये आपसे बात जरूर कहेंगे। अब फिर आप अपने दिमाग में ये सोचना है कि वो आपको पैसा किस बात से देना चाहते हैं, आप नहीं ले रहे हैं फिर भी आपको देना चाहते हैं, भैया भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिलती, वो भी 5-10 रुपये मिलते हैं, लोग दुखाव देते हैं। अगर आपके हाथ में हुनर है किसी का काम करके देते हो ना तो आप नहीं मांगोगे ना, फिर भी आपको जबरदस्ती पैसा देंगे, आपके जेब में डाल के जाएंगे, और अगर आपके अंदर गट्स है तो आप ये बोलोगे भाई ये काम करके दूंगा 500 ही लगेगा, तो आपको 500 रुपये देने के लिए मना नहीं करेंगे, कहेंगे चलो करो हम आपको पैसा देंगे। तो ये हमारी क्वालिटी होती है और वही एक अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप आएंगे तो आप अच्छी तरीके से ट्रेंड होकर के जाएंगे, हम अपने स्टूडेंट के साथ में जमीनी हालत से जुड़े रहते हैं ताकि हर बच्चे के पास जाते हैं, हर लोगों के साथ में मिलते हैं, उनको गाइडेंस करते हैं कि कैसा सेटअप होना चाहिए, किस तरीके से काम करेंगे, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, हम इस लाइन में 17-18 साल से काम कर रहे हैं, इतने सालों से मैंने पूरे इंडिया लेवल पर मोबाइल फ़ोन का काम किया हुआ है, जो मैंने अपने अंदर अनुभव लिया हुआ है वो अपने सारे बच्चों को अनुभव को एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ताकि हमारा बच्चा किसी भी कारणवश फेल ना हो और सफलतापूर्वक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चला जाए। अगर कहीं ना कहीं वो बढ़ता है तो मेरा नाम बढ़ता है और मुझे खुद को अच्छा जुनून लगता है, मुझे खुद अच्छा लगता है कि जो हमारा आज बच्चा अगर 2 पैसे कमाने लायक खड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
तो सर की तरफ से मेरी बहुत सारी विशेष हैं कि सर बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करें, और सर के साथ में टीम है, सर आप अकेले नहीं करने थे, आप भी आ जाइए, सर के साथ में दो लोग और भी हैं, ये भी साथ में सहयोगी काम करते हैं। हाँ, तो ये सर ओनर है, ये अपना दुकान चलाते हैं, ये सर मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम देखते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर का काम देखते हैं, एसेसरीज का काम देखते हैं, और अच्छी तरीके से मिल करके आप बहुत अच्छी अपनी सॉफ्टवेयर चलाते हैं। ये सब भीतर गाँव के पास में पड़ता है, भीतर गाँव के अंदर सबसे बड़ी खास बात है कि यहाँ पर एक बेचा नहीं का ऐसा मंदिर पड़ता है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कहते हैं कि पानी जगन्नाथ जी का मंदिर है, कि अगर पानी की बूंद लगे देती है जब बरसात शुरुआत होती है तो उसकी खासियत यही होती है कि उस मंदिर के अंदर पानी पहले से ही मौजूद होता है, पहले से घिसने लगता है, और वो मंदिर सब जगह पुराणों में फेमस है, हमने भी कई बार देखा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपके मंदिर को मैं फोटो भी डाल दूंगा, वीडियो भी डाल दूंगा वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।